My name is Mayank Jhunjhunwala and I am a student from IIT Kanpur. So today I am going to discuss NCERT exercises on electrochemistry from chemistry. Electrochemistry की जब हम बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि electrochemistry में हम बात करते हैं cells की, galvanic cells की, electrodes की, मतलब जो अपने पास mobile में या फिर जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो बैटरीज डलती है, सेल्स डलते हैं, उनमें जो रिएक्शंस होती है वो सब चीज अपन लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करते हैं. मेटल एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन सा किसको नहीं कर सकता, फिर अपने को हाइड्रोजन सेल्स क्या होते हैं, ये सब जितनी भी चीजें होती है अपन लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. 2.1 क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ व्हिच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट्स. तो ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जिसमें अपने को मेटल एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए. तो मेटल एक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर में अपन इसको लिख देंगे. तो सबसे ऊपर आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है जिंक, उसके बाद आता है आयरन, उसके बाद आता है कॉपर. समझ में आया ना, कुछ नहीं किया अपने, बोला कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इन ऑर्डर इन व्हिच दे डिस्प्लेस द मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट्स. तो डिस्प्लेस कैसे करेंगे, जो मेटल एक्टिविटी सीरीज ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा. तो बस मैंने वही किया है, जो मेटल नीचे था उसको मैंने नीचे लिखा है, जो मेटल ऊपर था उसको मैंने पहले लिखा है. तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था एक्टिविटी सीरीज का. अपन सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं. एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अपने को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिए हुए K+2K, Ag plus Ag, Hg2+Hg, Mg2+Mg का, chromium 3+chromium का. और अपने को बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में लगाओ, मतलब वो रिड्यूस कर लेते हैं उस पावर में लगाओ. तो सबसे कम रिड्यूस करेगा वो सबसे पहले आएगा. तो अपन देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा है Ag plus Ag का. इसका मतलब Ag plus जो है वो Ag में कन्वर्ट होता है 0.80 वोल्ट के साथ. मतलब अपन को जब Ag plus को Ag में कन्वर्ट करना है, मतलब जो अपन Ag plus को रिड्यूस करते हैं तो वो 0.80 वोल्ट के साथ रिड्यूस होता है. ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि इसका मतलब ये है कि ये इसका रिडक्शन अच्छे से हो रहा है, मतलब बहुत पॉजिटिव है, मतलब आसानी से इसका रिडक्शन हो रहा है. इसका आसानी से रिडक्शन हो रहा है तो फिर ऑब्वियस बात है कि ये जो है इसका रिड्यूसिंग पावर कम होगी, क्योंकि अपने को पता है जिसका रिडक्शन आसानी से हो जाता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी होती है, और जिसका ऑक्सीडेशन अच्छे से हो जाता है उसकी रिड्यूसिंग पावर अच्छी होती है. लेकिन अपन देख सकते हैं कि Ag plus Ag में बहुत आसानी से जा रहा है 0.80 वोल्ट में, इसमें अपने को एनर्जी नहीं देनी पड़ रही. तो इसका मतलब ये है कि इसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी. इसके बाद रिड्यूसिंग पावर कम होगी Ag2+Hg की, फिर होगी किसकी, फिर होगी chromium 3+ की, फिर होगी मैग्नीशियम की, और फिर होगी पोटेशियम की. क्यों, क्योंकि आसानी से रिड्यूस हो रहा है. अगर Ag प्लस आसानी से Ag में रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये Ag में रहना चाहता है, तो Ag दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा. इसका मतलब इनकी ऑक्सीडाइज का मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी. तो जैसे जैसे अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ जाता जाएगा, वैसे वैसे रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाएगी. समझ में आया, क्योंकि जो अच्छे से जिसका रिडक्शन अच्छे से हो रहा है उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होती है, जिसका ऑक्सीडेशन अच्छे से हो रहा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है. तो क्योंकि Ag प्लस Ag में आसानी से जा रहा है, इसका मतलब Ag की रिड्यूसिंग पावर कम है, क्योंकि वो रिड्यूस रहकर रहना चाहता है. अगर अपन Ag के अगर अपन ऐसा बोलेंगे कि Ag की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो इसका मतलब Ag दूसरे को रिड्यूस करके खुद Ag प्लस में ऑक्सीडाइज जाएगा. मतलब अगर मैं बोलूँ कि Ag की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो Ag किसी दूसरे मेटल को रिड्यूस करके खुद Ag प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा है. इसलिए अपन ये देखेंगे कि जिसकी जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर कम होगी. तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पर ऑर्डर आएगा Ag, Ag के बाद आएगा Hg, Hg के बाद आएगा क्रोमियम, क्रोमियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, और उसके बाद आएगा पोटेंशियम. ठीक है, तो रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन था. अपन नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट में क्या बोला है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल रिएक्शन. गैल्वेनिक सेल रिएक्शन अपने को दी हुई है. डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल विद द रिएक्शन टेक प्लेस. अच्छा, ये रिएक्शन किस गैल्वेनिक सेल में होती है. तो अपने को पता है कि ये तो ऑब्वियस बात है कि इसमें अपने को फिर पूछा है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड. तो अपन सॉल्व करते हैं.
तो ये अपने को अपन अगर इसका सेल लिखेंगे तो अपने अपने सीखा है अपन सेल लिख सकते हैं, अपन सेल ऐसे लिखते हैं ना, मतलब अपना जो जिंक है, जिंक सॉलिड है वो जा रहा है Zn2+ में, ठीक है क्या रहा है, वो जा रहा है Zn2+ में एक्वस फॉर्म में, और उसके बाद जो अपना Ag+ है वो जा रहा है मतलब Ag+ एक्वस, सॉरी Ag+ एक्वस है वो जा रहा है Ag में, ठीक है, जो कि सॉलिड है। तो ये अपनी सेल इक्वेशन हो गई, ठीक है। अपन क्या लिखते हैं, पहले अपन लोग लिखते हैं, पहले अपन लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, फिर अपन लोग लिखते हैं रिडक्शन वाला पार्ट, क्योंकि Zn Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है और Ag+ Ag में रिड्यूस हो रहा है। तो पहले अपन लिखेंगे ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, यहाँ लिखेंगे अपन रिडक्शन वाला पार्ट और बीच में सॉलिड ब्रिज, ठीक है। तो ये अपना सेल है, तो इस सेल के हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि जो एनोड है वो जिंक इलेक्ट्रोड की, तो यहाँ पे एनोड किसकी होगी, एनोड है जिंक इलेक्ट्रोड, एनोड है जिंक इलेक्ट्रोड, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, इसलिए एनोड है जिंक इलेक्ट्रोड की। कैथोड किसकी है, कैथोड है, क्योंकि आपने बताया ना एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है इसलिए एनोड है जिंक इलेक्ट्रोड की। कैथोड है मतलब इसमें अपने को बताया कि जो करंट होगा वो जाएगा Ag+ से Ag की तरफ, Ag+ से कॉपर की तरफ, करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर इन द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। तो ठीक है, कैथोड सिल्वर की, ठीक है। और फिर मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड पार्ट में मुझे पूछा है कि करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर, सिंपल, ठीक है, इन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट मतलब जो बाहर का सर्किट है, मतलब लिक्विड से जहाँ पे कनेक्शन है वहां पे नहीं, जो रॉड्स वायर्स कनेक्टेड होगी उसमें, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, व्हाट्स अप पॉइंट, ठीक है, इन एक्सटर्नल सर्किट। तो ये अपना हो गया, ऐसा अपन कैसे देख सकते हैं, अपने को पता है कि जिंक वाली रॉड ऑक्सीडाइज हो रही है Zn2+ में, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो अपना जिंक वाली रॉड है उस पर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब जिंक जो है इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है अपनी रॉड को, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिंक रॉड से सिल्वर रॉड की तरफ, करंट फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए करंट फ्लो कर रहा है सिल्वर से कॉपर की तरफ, क्यों, क्योंकि जिंक रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो रहे हैं, जिंक रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होंगे तो वो फ्लो करेंगे जिंक से सिल्वर की तरफ, करंट विल फ्लो फ्रॉम सिल्वर टू जिंक। फिर हमने क्या पूछा, इंडिविजुअल रिएक्शन है ईच इलेक्ट्रोड, इंडिविजुअल रिएक्शन वो भी लिखता है, इंडिविजुअल रिएक्शन क्या होगी, जिंक वाला तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Zn2+ Zn2+ प्लस दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या हो रहा है, जो अपना दो Ag है, 2Ag+ ऑब्वियस सी बात है कि एक्वस फॉर्म में होंगे, दे आर टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेटिंग कन्वर्ट, गेटिंग कन्वर्टेड टू टू Ag सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, तो ये अपनी इंडिविजुअल रिएक्शन हो जाएंगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट चलते हैं। 2.4 इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है ना, और उसके बाद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, और फिर उसके बाद बोला है कि डेल्टा जी भी निकालना है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सब कुछ निकालना है। तो 2.4 करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालने का तो अपने को फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, मतलब अपने को दिया हुआ है, क्या अपने को दिया हुआ है कि कुछ दिया हुआ है, अच्छा आपने कोई दिया हुआ नहीं है क्या, तो अपने को ये याद करना पड़ेगा कि Cr3+ से क्रोमियम का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है और Cr2+ से कैडमियम का क्या होता है, तो ये अपने को पता होना चाहिए,
यहाँ पे दिया होना चाहिए था, शायद मिस हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से यार एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। तो मैं लिखता हूँ कि जो ई नॉट होता है ना, ई नॉट होता है ना, फ्रॉम क्रोमियम 3+, फ्रॉम क्रोमियम 3+ टू क्रोमियम, ये होता है अप्रोक्सीमेटली -0.74 वोल्ट्स। ठीक है, और वैसे ही जो आपका ई नॉट होता है कैडमियम 2+ से कैडमियम का, वो होता है कितना, वो होता है अप्रोक्सीमेटली -0.4 वोल्ट्स, सॉरी -0.4 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो मेरे को बोला है कि दोनों रिएक्शन का अपने को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बताना है। तो अभी से बात अपने को पता है जो ई नॉट सेल होता है, जो अपना ई नॉट सेल होता है वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये होता है ना कैथोड माइनस एनोड का। तो अपने को पता है कि यहाँ पे क्रोमियम 3+ से क्रोमियम और कैडमियम 2+ से कैडमियम, ऑब्वियसली क्रोमियम 3+ से क्रोमियम थोड़ा हार्ड है क्योंकि वो -0.74 है, कैडमियम 2+ से कैडमियम भी हार्ड है लेकिन वो -0.74 से ईजी है क्योंकि वो -7.74 है, मतलब वो ज्यादा एनर्जी देने को, लेकिन यहाँ पे -0.40 ही है। तो कैडमियम 2+ कन्वर्ट होगा कैडमियम में, इसका मतलब कैडमियम 2 कैडमियम का हो रहा है रिडक्शन और क्रोमियम का होगा ऑक्सीडेशन। तो कैथोड पे होगा कैडमियम, एनोड पे होगा क्रोमियम। तो अपन कैथोड से लिखेंगे, मतलब पहले लिखेंगे -0.40 माइनस, लिखेंगे -0.40 माइनस ई नॉट एनोड, एनोड को जाए -0.74 +0.74। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.74 -0.4 तो हो जाएगा 0.5, 0.6, 0.7, 0.34। ठीक है, तो हो जाएगा 0.34 वोल्ट्स। तो ये हो गया अपने पहले पार्ट का आंसर। फिर अपने से क्या बोला है, फिर अपने से बोला है कि अपने को निकालना है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला होता है -2.303 RT मल्टीप्लाइड बाय लॉग के, ये होता है। तो अपने को यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, अपने को सबसे पहले डेल्टा जी निकालना है और क्या निकालना है। तो अपने को एक तो ये होता है और एक फॉर्मूला और होता है -N मल्टीप्लाइड बाय फैराडेज कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ई सेल। ठीक है, ई नॉट सेल। ठीक है, ये डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब डेल्टा जी नॉट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो फिर मैं यहाँ से डेल्टा जी निकाल लूंगा, मेरे को एन पता है, एन कितना यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, अपने को रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन के हिसाब से देखो, रिएक्शन देखो 2 क्रोमियम जा रहे हैं 2 क्रोमियम 3+ में और 3 कैडमियम 2+ जा रहे हैं 3 कैडमियम में, मतलब 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, मतलब एन तो अपना हो गया यहाँ पे 6। एन कितना है, एन है 6 और एफ है 96,500, वो तो फैराडेज कांस्टेंट होता है, फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96,500। तो मैं लिख देता हूँ -6 मल्टीप्लाइड बाय 96,500 मल्टीप्लाइड बाय ई सेल, और ई सेल अपन ने निकाला है कितना आ रहा है 0.34 वोल्ट्स। जब अपन यहाँ सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा क्या, डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी आ जाएगा, वो कितना आ रहा है, वो आ जाएगा -196.86, -196.86, और ये आ रहा है मेरे पास किलो जूल से। ठीक है, तो ये मेरा डेल्टा जी आ गया, डेल्टा जी आ गया। तो मैं डेल्टा जी में फिर वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, मतलब मेरे को 2.30 तो वैल्यू है। आर अपने को पता है गैस कॉन्स्टेंट 8.314 होता है, टेम्परेचर अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो, अच्छा नहीं दिया हुआ तो अपन स्टैंडर्ड कंडीशन अपन लेकर चले ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। तो अपन टेम्परेचर को ले लेंगे 298, आर को ले लेंगे 8.314, वहां से अपन लोग लॉग के इक्वेशन निकाल लेंगे, लॉग के से फिर एंटी लॉग लगा के के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन जब उसको सॉल्व करेंगे तो अपनी जो फाइनल के की वैल्यू आएगी, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 3.17 मल्टीप्लाइड बाय 10^34, 10^34। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे अपन लोग सेकेंड वाला पार्ट भी कर देंगे,
मैं सिंगुलर पार्ट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि सेम सेम ही चीज करनी है अपने को। तो अब मैं आगे चलता हूँ 2.5 में, ठीक है 2.5। तो 2.5 में क्या बोला अपने को, 2.5 में बोला है राइट द नर्म्स, राइट द नर्म्स इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। तो अपने को सेल्स दिए हुए हैं, अपने को इनकी नर्म्स नर्म्स इक्वेशन लिखनी है और फिर अपने को इसका वो निकालना है, क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो ठीक है नर्म्स इक्वेशन तो अपन लोग लिख लेंगे आराम से। तो अपन एक एक करके लिखते हैं, पहले वाला सेल लेते हैं और इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। ये अपने पास सेल दिया हुआ है, फिर अपने को पहले तो इसको इसको इसकी इक्वेशन लिखनी चाहिए ताकि अपन ढंग से कर पाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैग्नीशियम है ये कॉपर 2+ से कंबाइन करके जा रहा है, मैग्नीशियम 2+ में प्लस कॉपर में। ठीक है, तो इसके मैं नर्स इक्वेशन लिखूँ तो क्या हो जाएगा, नर्स इक्वेशन क्या होती है, नर्स इक्वेशन होती है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ये नर्स इक्वेशन होती है, आई होप पता होगा, डिवाइड बाई एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं 2। तो यहाँ पे जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एम जी 2+ डिवाइड बाय सी यू, मतलब जो चेंज हो रहा होता है वो अपन लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा एम जी 2+ डिवाइड बाय सी यू, एम जी 2+ की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल क्या बन रहा है, सी यू 2+। तो सी यू 2+ की कंसेंट्रेशन, तो ऐसे अपन लोग लिखते हैं नर्स के क्वेश्चन को। तो अपन अपने को यहाँ पे सब कुछ पता है, मैं आपको लगा देता हूँ। ठीक है, अपने को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है अपने को एम जी 2+ की कंसेंट्रेशन दी हुई है, अपने को सी यू 2+ की कंसेंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, और अपने को ई नॉट सेल इसमें अपने को, अच्छा, अपने को ऊपर दिया हुआ है ना। ठीक है, तो अपने को एम जी से एम जी 2+ की और सी यू से सी यू 2+ के जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो पता होना चाहिए। उस स्टैंडर्ड पोटेंशियल से अपन क्या करेंगे, अपन लोग निकालेंगे ई नॉट सेल, ई नॉट सेल निकालेंगे, जो अपना ई नॉट सेल होगा, जो अपना ई नॉट सेल होगा वो क्या होगा, वो होगा ई नॉट कैथोड में सर्व करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का। तो ई नॉट सी यू 2+ से सी यू माइनस सी यू, यार सी यू 2+ से सी यू माइनस ई नॉट एम जी 2+ से एम जी। ठीक है, अरे सी यू 2+ से सी यू 2+ होता है, मतलब सी यू 2+ होता है। तो यहाँ से अपन ई नॉट निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू से अपने को पता है अपने को दी हुई टेबल में, तो अपन दोनों से ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल लेंगे। अपने को एम जी 2+ कंसंट्रेशन दी हुई है 0.001, अपने को सी यू 2+ कंसंट्रेशन दी हुई है 0.001, अपन सारी वैल्यू डाल के ई सेल निकाल लेंगे। ये तो अपने को पूछा था, वैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट कर लिया, वैसे ही अपन चारों पार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने एक पार्ट कर दिया, मैं एक पार्ट और कर देता हूँ कोई सा, तो मैं फोर्थ वाला पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, फोर और सब बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है, अपने को उससे वापस निकालना पड़ेगा। तो अपन पहले तो वही करते हैं, सेल इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पर सेल इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर सेल इक्वेशन होगी कि जो बी आर माइनस है वो बी आर में जा रहा है, तो 2 BR- किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, H+ का रिएक्शन कर रहा है ना, प्लस 2H+। ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू ब्रोमीन, तो जाएगा Br2 में। ठीक है, प्लस H+ जाएगा H2 में। तो ये अपनी सिंपल सी सेल रिएक्शन हुई। ठीक है, अपने को इसका यही नर्स इक्वेशन लिखनी है,
लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं नॉन स्टेटिस्टिकल एक ही बात है, उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अगर मुझे ये करना है यहाँ पे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वो तो यहाँ पे भी 2 ही हो रहे हैं, तो सेम ही रहेगा, बस ये लॉग के अंदर की क्वांटिटी चेंज जाएगी। तो लॉग में फाइनली तो कंसंट्रेशन 0 है, मेरे को बताएगी जो फाइनली होता है वो अपन ऊपर लिखते हैं, जो पहले होता है वो अपन नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो वन सेकेंड है ना, हाँ, तो जो फाइनली होता है वो अपन ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जो रिएक्टेंट साइड में होता है वो अपन डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में तो कोई कंसंट्रेशन बन नहीं रही, इसमें तो सॉलिड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अपने को पता है कि अपन लोग सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन नहीं लेते हैं या वन मानते हैं, अपन लोग सिर्फ एक्वस फॉर्म की लेते हैं, तो एक्वस फॉर्म की या गैसेस फॉर्म की लेते हैं। तो ये दोनों एक्वस फॉर्म में और ये दोनों तो सॉलिड है, तो इस कंसंट्रेशन को वन हो गई, वन मतलब लॉग लॉग ऑफ वन डिवाइडेड बाय इस तरफ क्या है बी आर माइनस, तो बी आर माइनस का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हुआ, तो बी आर माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिखेंगे, बी आर माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच प्लस की कंसंट्रेशन का भी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एच प्लस भी 2 है, तो अपन लोग एच प्लस की कंसंट्रेशन का भी स्क्वायर करेंगे, एच प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा बीच में, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, अपन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। तो अपन लोगों ने क्या किया, अपन लोगों ने जो प्रोडक्ट साइड में कंसंट्रेशन थी वो तो 1 है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का अपन लोग कंसंट्रेशन 1 मानते हैं, और जो रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्टेंट साइड में एक्वस फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में, तो उसकी कंसंट्रेशन अपन ने लिख ली। तो अपने को क्या दिया हुआ है, अपन वापस यहाँ पे इनर्शियल निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन से इनर्शियल निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनर्शियल किस निकलेगा, इनर्शियल निकल जाएगा अपना, इसमें कैथोड पे कौन सा होगा, इस पे कैथोड पे होगा, कैथोड पे होगा वही जो रिड्यूस हो रहा होगा, रिड्यूस कौन सा हो रहा है, ब्रोमीन माइनस जा रहा है Br2 में, तो ऑब्वियस बात है जो ब्रोमीन है, जो एच प्लस जा रहा है वो जा रहा है H2 में, ऑब्वियस बात है ब्रोमीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और एच प्लस रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि H2 में जा रहा है, मतलब एच प्लस रिड्यूस हो रहा है, Br माइनस से Br2 बन रहा है, मतलब ब्रोमीन जो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, ई नॉट कैथोड हो गया, ई नॉट एच प्लस से H2 माइनस ई नॉट एनोड, और ई नॉट एनोड क्या है, ई नॉट Br माइनस से Br2, तो यहाँ से अपन लोग ई नॉट सेल निकाल लेंगे, मतलब हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ब्रोमीन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ से अपना ई नॉट सेल आ जाएगा, ई नॉट सेल आ गया अपने पास, अपने को Br माइनस की कंसंट्रेशन दी हुई है, अपने को एच प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है, तो वहां से अपने पास ई सेल आ जाएगा। तो ये अपने नर्व स्टिक क्वेश्चन है, और नर्व स्टिक क्वेश्चन लिख के अपन लोग आसानी से EMF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2.6, 2.6 में क्या बोला है मुझको, इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, तो जो बटन सेल्स होते हैं उसमें ये रिएक्शन होती है, अपने को निकालना है डेल्टा जी नॉट और ई नॉट, वापस वही अपन लोग लिखेंगे, ये नॉन स्टिक क्वेश्चन लिखेंगे, वापस कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये अपनी नॉन स्टिक क्वेश्चन हो गई, नॉन स्टिक क्वेश्चन पर अपन लोग चेंजेस करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स के चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो वैसे मेरे को लिखना है कि यहाँ पे नर्व स्टिक क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को ई नॉट सेल चाहिए ना, तो ई नॉट तो अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, अपने को स्टैंडर्ड कंडीशन चाहिए ना, तो अपने इसे ये वाली क्वेश्चन लिखना है, ये वाली क्वेश्चन तो तब लिखते हैं अपने को स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा निकालना होता है, अपने को तो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालना है, स्टैंडर्ड कंडीशन में तो अपन लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू, सॉरी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यहाँ पे कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर कैथोड पे हो रहा है Ag, यहाँ पे है प्लस में, यहाँ पे जा रहा है Ag में, मतलब Ag प्लस से जा रहा है Ag, मतलब Ag का हो रहा है रिडक्शन, तो ये होगी कैथोड पे, तो अपन लोग लिखेंगे ई नॉट Ag2O से Ag माइनस ई नॉट Zn2+ से Zn, तो मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे अपन हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस एनोड होता है ना, ई नॉट Ag2O से Ag, तो अपने को जो अपने को चैप्टर में स्टार्टिंग में टेबल दी हुई है इसमें वहां पर सारे पोटेंशियल लिखे हुए हैं, अपन वहां से कॉपी कर लेंगे, माइनस एग्जाम में आपको दिए हुए होते हैं ई नॉट, ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में दिए हुए होंगे, ठीक है, माइनस माइनस ई नॉट Zn2+ से Zn, ठीक है, माइनस ई नॉट Zn2+
प्लस से सेकेंड, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यूज डाल देंगे, वैल्यूज डाल के अपन ई नॉट से निकाल लेंगे। ई नॉट से निकालने के बाद अपने को क्या चाहिए, डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट भी आ जाएगा। क्या डेल्टा जी नॉट, डेल्टा कैसे होना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू वही माइनस एन मल्टीप्लाइड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट सेम, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे एन पता है, एन है यहाँ पे टू, एफ एफ एड इज कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 96,500, और ई सेल ई नॉट सेल अपन ने निकाल ही लिया है, तो यहाँ से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स मूव टू 2.7। 2.7 में क्या बोला है, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन। तो ये तो मतलब क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें जो डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन तो अपन लोग बुक से पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं एक बार बताया तो कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब अपन एक टैंक लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का, और इसमें जो अपन सॉल्यूशन लेंगे मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ में लेंगे, मतलब जो कंटेनर की लेंथ होगी वो 1 सेंटीमीटर की होगी। सो उस चीज की जो कंडक्टेंस होती है उसको अपन लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी के लिए अपन क्या करते हैं कि अपन बोलते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस व्हेन इट इज डिसॉल्वड इन सम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें भी अपन कंडीशन वही डालते हैं कि इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट होनी चाहिए और एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इतना लार्ज होना चाहिए, ताकि एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इतना लार्ज होना चाहिए कि उसमें पूरा सॉल्यूशन आ जाए। तो ये अपने मोलर कंडक्टिविटी के सॉल्यूशन होते हैं, ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो ये डेफिनेशंस हैं, तो ये तो आप इससे कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मतलब ये सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ नहीं है। 2.8 में आपने क्या बोला है, 2.8 में मेरे को बोला है कि मेरे को कंडक्टिविटी दी हुई है 0.2 मोलर सॉल्यूशन की 298 केल्विन पे, वो है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, एस मतलब साइमन, ठीक है। अपने को मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो मोलर कंडक्टिविटी होती है डेल्टा एम, क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी होती है डेल्टा एम, ठीक है, ये मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम इज इक्वल टू कप्पा के मल्टीप्लाइड बाय 1000 दिस होल डिवाइडेड बाय मोलारिटी, ये होती है अपनी डेल्टा एम की वैल्यू, डेल्टा मतलब मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। तो अपन यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे, अपने को कप्पा दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना कप्पा दिया हुआ है 0.0248 0.0248 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलारिटी। तो क्वेश्चन अपने को मोलारिटी कितनी दी हुई है, 0.20 मोल पर लीटर, तो 0.20 मोलारिटी हो, मोल पर लीटर कितने ना मोलारिटी इसलिए। तो यहाँ से जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा 124 साइमन, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये अपना सीधे सीधे आंसर है, तो ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं 2.9। 2.9 में क्या बोला अपने को, 2.9 में अपने को दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल दिया हुआ है 0.001 मोलर केसल सॉल्यूशन का 298 केल्विन पे 1500 ओम्स है। तो अपने से सेल कॉन्स्टेंट पूछा है, अगर कंडक्टिविटी 0.001 मोलर केसल सॉल्यूशन की 298 केल्विन पर रहती है, तो अपने को सेल कॉन्स्टेंट पता होता है क्या होता है, मतलब सेल कॉन्स्टेंट के दो फॉर्मूला होते हैं, अपन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो अपने यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो दोनों लिख देता हूँ, सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, एक तो होता है कंडक्टिविटी डिवाइड बाय कंडक्टेंस, वह इसी को मैं और ढंग से लिख देता हूँ, मतलब ये हो जाएगा कंडक्टिविटी
वन अपॉन कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस, तो मैं उसी वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दो फॉर्मूला होते हैं, तो यहाँ से मैं मतलब दो क्या एक ही फॉर्मूला ही है बेसिकली। मैं वन अपॉन कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ क्योंकि वन अपॉन कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो मेरे को क्वेश्चन में कंडक्टिविटी दी हुई है, कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है, कंडक्टिविटी दी हुई है मेरे को 0.146 मल्टीप्लाई बाई 10^-3। ठीक है, 0.146 मल्टीप्लाइड बाय 10^-3, ये है कंडक्टिविटी के सॉल्यूशन की मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दिया हुआ है अपने को, रेजिस्टेंस दिया हुआ 1500 ओम्स। ठीक है, तो अपन सीरीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा 0.219 सेंटीमीटर। और जो इसकी यूनिट होती है सेल कॉन्स्टेंट की, वो लेंथ इनवर्स के फॉर्म में होती है क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो अपन लोग सेंटीमीटर इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, तो फेयरली सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.10 सर अपने को क्या दिया हुआ है, इसमें अपने को दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ NaCl दी हुई 298 केल्विन पे डिफरेंट कंसेंट्रेशन पे। अपने को निकालना है डेल्टा एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, और फिर अपने को मोलर कंडक्टिविटी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकालनी है। तो मैं प्लॉट तो बनाऊंगा नहीं, यहाँ पे प्लॉट नहीं बना सकता, मैं डेल्टा एम निकाल देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा एम लिखूँ, डेल्टा एम, तो यहाँ पर डेल्टा एम हो जाएगा कितना, यहाँ पर डेल्टा एम हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एम हो जाएगा, मतलब मैं वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट माइनस के रूट सी वाला, मतलब वाला फॉर्मूला है। लेकिन इसको डेल्टा एम को निकालने के लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, बिना ग्राफ के तो मैं डेल्टा एम भी नहीं निकाल पाऊंगा। मतलब मैं डेल्टा एम इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए निकाल सकता हूँ, फिर वहां से मैं डेल्टा एम नॉट निकाल लूंगा। मतलब मुझे ग्राफ तो प्लॉट करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले डेल्टा एम निकाल लेता हूँ। कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के मैं डेल्टा एम निकाल दूंगा क्योंकि मेरे को कप्पा दिया हुआ है, मेरे को मोलारिटी दी हुई है, तो मैं जितने भी मेरे पास 5 वैल्यूज दी हुई है, मैं 5 के लिए डेल्टा एम निकाल दूंगा। फिर मैं डेल्टा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, डेल्टा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, तो मेरे पास एक ग्राफ आ जाएगा। फिर ग्राफ से मैं क्या करूंगा, ग्राफ से मैं डेल्टा एम डॉट निकालने के लिए क्या करूंगा, इंटरसेप्ट देखूंगा डेल्टा एम के एक्सिस पे कि वो डेल्टा एम के एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है। मतलब मैं डेल्टा एम डॉट क्या होगा बेसिकली, डेल्टा एम डॉट होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंसेंट्रेशन। मतलब इनफाइनाइट कंसेंट्रेशन है मतलब जीरो कंसेंट्रेशन, मतलब जब अपना सोल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो जाएगा तब जो अपनी मोलर कंडक्टिविटी आती है उसको अपन लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको अपन लोग डेल्टा एम नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जो अपन लोग ग्राफ को जीरो तक एक्स्ट्रा कंसेंट्रेशन जीरो तक एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे तब जाके जो अपनी वैल्यू आएगी वो होती है अपनी डेल्टा एम नॉट की वैल्यू। तो मैं डेल्टा एम की वैल्यूज निकाल लूंगा यहाँ से, मेरे पास सारी वैल्यूज दी हुई है कंसेंट्रेशन और कप्पा की, तो वहां से मेरे पास डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएंगी। डेल्टा एम की वैल्यू से फिर मैं डेल्टा एम और कंसेंट्रेशन के बीच में ग्राफ बना दूंगा, फिर मैं उस ग्राफ को कंसेंट्रेशन जीरो तक एक्सट्रापोलेट करके जो मेरा वाई इंटरसेप्ट आ रहा है वो मैं निकाल लूंगा। तो जो मेरा वाई इंटरसेप्ट होगा वही मेरी डेल्टा एम नॉट की वैल्यू होगी। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है कि कंडक्टिविटी दी हुई है मुझे एसिटिक एसिड की, और फिर मुझे मोलर कंडक्टिविटी पूछी है। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए तो वापस ये वाला फॉर्मूला कॉपी पेस्ट, ये नहीं होता क्या कॉपी? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा एम इसके बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा वैल्यूज। मेरे को कप्पा कितना दिया हुआ है, कप्पा मेरे को दिया हुआ है 7.896 मल्टीप्लाइड बाय 10^-5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय अपनी मोलारिटी। मोलारिटी कितनी हुई है 0.00241, 0.00241। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी की। उसका मुझसे क्या पूछा है, उसका मुझसे पूछा है डेल्टा एम ना तुमको दिया हुआ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट पूछा है, तो ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होती है डेल्टा एम डिवाइड बाई डेल्टा एम, ठीक है। क्या होती है डेल्टा एम डिवाइड डेल्टा एम नॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ से वैल्यू लिख लूंगा, जब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तब मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम नॉट को डालूंगा, मेरे को डेल्टा एम मैंने निकाल लिया 32.76, फिर मैं डिवाइड कर, कहाँ जा रहा है 32.76 डिवाइड बाई डेल्टा एम जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 390.5, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 8.4 मल्टीप्लाइड बाय 10^-2। तो मेरे पास यहाँ से डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई। तो मुझसे पूछा है क्या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की, नहीं सॉरी, ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब मेरे को डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं के अल्फा से। के अल्फा क्या होता है, के अल्फा होता है सी टाइम्स अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - अल्फा, यही होता है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। ये अपन लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज डालता हूँ, मेरे को कंसंट्रेशन दी हुई है कितनी, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.00241, 0.00241 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा मैंने निकाला है 8.4 × 10^-2 का स्क्वायर, 8.4 मल्टीप्लाइड बाय 10^-2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 - अल्फा, मतलब 1.084, ठीक है। तो जब मैं आंसर को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फाइनल डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 10^-5। और क्योंकि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो उसकी यूनिट कुछ नहीं होती। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अपन चलते हैं 2.12 पे। 2.12 में अपने को क्या बोला है, अब अपन आ गए फैराडेस लॉस पे। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अपने को पता है कि पहले वाले में दिया हुआ है 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम। तो अपने को पता है कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज होता है वो 1 फैराडे होता है। ये बात ध्यान रखना है कि जो 1 फैराडे चार्ज होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। तो यहाँ से अपन जा रहे हैं एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 3 का। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3 मोल। तो मतलब अपने पास चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा पहले वाले केस में, पहले वाले केस में चार्ज हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो मैं लिखता हूँ फॉर 3 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज इक्वल टू 3 फैराडे, दैट इज इक्वल टू 3 × 9650, दैट इज इक्वल टू 289500 कूलम्स, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कॉपर 2+ से कॉपर, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 फैराडे। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है मैग्नीज MnO4- से Mn2+, सो मैं सेकंड पार्ट के लिए थर्ड पार्ट करता हूँ। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है MnO4- से Mn2+, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnO4- मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, MnO4- में कितनी होती है पता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम कितनी हुई, कितनी हुई ऑक्सीजन कितनी, -2, तो MnO4- है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीशियम की होगी -8+X=-1। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन स्टेट MnO4- में होती है +7, ठीक है +7।
तो ये कहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है एम एन प्लस सेवन से प्लस टू जा रहा है, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है फाइव इलेक्ट्रॉन्स का, ये फोर फाइव इलेक्ट्रॉन्स, कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को, अपने को चाहिए फाइव पैर है, डब्ल्यू इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाइड बाय 9650 दैट इज इक्वल टू 9650 दैट इज इक्वल टू 482 5000 कूलम्स। ठीक है, तो इसी पे सीधे सीधे फैराडेज़ लॉ का सवाल था। 2.13 में क्या बोला है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज टर्म्स ऑफ फैराडे इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉर टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन सी ए सी एल टू, मतलब मेरे को सी ए टू प्लस से कैल्शियम में जाना है। पहले तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, सी ए सी एल टू में कैल्शियम होगा टू प्लस में, तो सी ए टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया, तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, अपन देख रहे हैं कि अपने को यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का चेंज चाहिए, तो ऑब्वियस बात है एक कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40। ठीक है, तो 40 ग्राम कैल्शियम के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक मोल के लिए दो इलेक्ट्रॉन, मतलब 40 ग्राम कैल्शियम के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स, लिखता हूँ फॉर 40 ग्राम कैल्शियम वी नीड टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, क्योंकि एक मोल कैल्शियम का मास 40 ग्राम होता है, सो फॉर 20 ग्राम्स वी नीड वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नीड वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे अपने को इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, विच मीन्स वी नीड वन फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका मतलब कितना, इसका मतलब वैसे अपने को इन टर्म्स ऑफ फैराडे बताना था ना, तो वन फैराडे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, 40 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3, तो यहाँ पे भी अपन लोग रिएक्शन लिख लेंगे, यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी एल्यूमिनियम 3+ जाएगा एल्यूमिनियम में, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी टू Al3+ प्लस टू Al3+ से Al में जाना, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, लेकिन यहाँ पे दो एल्यूमिनियम है तो 6 इलेक्ट्रॉन को चेंज जाएगा, तो प्लस 6 इलेक्ट्रॉन विल गो टू टू एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन लिख लेंगे एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27। ठीक है, एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27, लेकिन यहाँ पर दो एल्यूमिनियम है, मतलब 54 ग्राम्स, तो मतलब 54 ग्राम्स मल्टीप्लाई फॉर एल्यूमिनियम का मोलर मास 54 ग्राम्स होता है ना, लेकिन यहाँ पर दो एल्यूमिनियम है, तो फॉर 27 × 2 मतलब फॉर 54 ग्राम्स एल्यूमिनियम, सिंपल यूनिट से मटेरियल बात कुछ नहीं है, वी नीड 6 मोल्स ऑफ, वी नीड 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सो और कितना दिया हुआ अपने क्वेश्चन में, फॉर 40 ग्राम, फॉर 40 ग्राम वी नीड 6 / 54 मल्टीप्लाई बाय 40, सिंपल यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4.44 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब कितना चाहिए, इसका मतलब वी नीड जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मैंने आपको पहले से पहले भी बताया है, तो यहाँ पर 4.44 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इतनी मोल अपने को इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो 4.44 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्वाइट सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2.14 में क्या बोला अपने को, बोला है वापस वही, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोल H2O टू O2, एक मोल H2O ऑक्सीडेशन करते हैं O2 में, तो पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है H2O वन मोल, इसलिए गोइंग टू
एच टू प्लस हाफ ओ टू, एच टू प्लस हाफ ओ टू, ठीक है, ये रिएक्शन होती है, वन मोल एच टू हो जा रहा है ओ टू में। तो यहाँ पे बेसिकली अपना अपन, क्योंकि अपन को ओ टू के फॉर्म में पूछा है ना, तो अपन यहाँ पे करते हैं ओ टू माइनस बेसिकली जा रहा है हाफ ओ टू में, ठीक है, हाफ ओ टू प्लस, क्योंकि तो दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए टू ई माइनस। तो यहाँ पे कितनी, एक मोल के लिए कितनी चाहिए अपने को, दो फैरेड इलेक्ट्रिसिटी है, अपने को कितना बोला है वन मोल एच टू ओ बोला है, हेंस एक मोल के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अपने को, दो फैरेड है, इसका आंसर हो जाएगा टू फैरेड है, क्योंकि टू फैरेड क्यों, क्योंकि टू मोल सब इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को, इसका आंसर हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड बाई 96,500, दैट इज इक्वल टू 1,93,000 कूलम्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला आपने से, सेकेंड पार्ट में बोला है वन मोल FeO2 Fe2O3, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, तो FeO क्या करेगा, Fe2O3 चाहिए ना, मतलब अपने को दो ऑक्सीजन और चाहिए, तो प्लस O2 विल गिव आउट Fe2O3, सबसे पहले तो अपने को मोल चाहिए, तो अपने को उसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं, बैलेंस करने के लिए क्योंकि मेरे को वन मोल FeO बोला है ना, तो यहाँ पर तो मैं चेंजेस कर नहीं सकता, मेरे को चेंज यहाँ करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा हाफ, ताकि आयरन एक हो जाए, अगर मैं यहाँ पे हाफ लगा रहा हूँ तो मेरे पास ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन मेरे पास हो गया 3/2, ठीक है, तो यहाँ पे भी 3/2 बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे हाफ लगाना पड़ेगा, वन प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2, तो मेरे पास बैलेंस रिएक्शन आ गई, तो मेरे को वन मोल FeO के लिए रिएक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे किसी के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन के फॉर्म में लिख लूँ, इन ऑक्सीजन के फॉर्म में लिख लूंगा, क्योंकि मेरे को FeO से Fe2O3 से जाना है ना, तो मैं Fe के फॉर्म में लिखता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन बाहर से भी डालनी पड़ रही है, तो मैं ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ पे O2 माइनस के फॉर्म में भी है, O2 के फॉर्म में भी है, तो अपन कन्फ्यूज रहेंगे, अपन Fe2 प्लस से Fe में जाते हैं, Fe3 प्लस में जाते हैं मतलब, तो मैं लिखता हूँ Fe, जो अपने कन्वीनियंट तो अपने को हिसाब से करना चाहिए, Fe2 प्लस जा रहा है, Fe2 प्लस जाएगा Fe3 प्लस में प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि एक मोल, अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि एक मोल FeO के लिए अपने को चाहिए एक मोल इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि अपन जब एक मोल FeO ले रहे हैं, तब तो अपने को ये एक इलेक्ट्रॉन से अपन जा रहे हैं Fe2O3 में, इसका मतलब अपने को इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, अपने को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एक पैर, क्योंकि जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतनी मोल इलेक्ट्रिसिटी, तो कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 96,500, दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम्स, ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2.15, सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर फॉर 20 मिनट्स, व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड इन द कैथोड, उसमें मतलब अपन लिख लेते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी अपन यूज करी यहाँ पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज करी अपन ने, अपन बोले कि निकल नाइट्रेट निकल में जा रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है अपने को इलेक्ट्रिसिटी कितनी हुई है 5 एम्पियर्स, मतलब 5 एम्पियर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम कितना दिया हुआ अपने क्वेश्चन में, टाइम दिया हुआ 20 मिनट्स, 20 मिनट्स हो जाएगा कितना, 20 मिनट्स हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 60, सो अपने यहाँ से तो सॉल्व करेंगे, तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 6,000 कूलम्स, ये तो हो जाएगी अपने पास इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमसे क्या पूछा है, फिर अपने से अपने को पता है अपन निकल नाइट्रेट निकल में जा रहा है, तो मतलब Ni2+ इज टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन्स एंड गोइंग टू फॉर्म निकल, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन से चल जा रहा है, तो अपने को दो फेरेडे चाहिए एक निकल के मोल के लिए, मतलब निकल के एक मोल के लिए अपने को चाहिए दो फेरेडे, तो ऑब्वियस सी बात है दो फेरेडे मतलब 2 × 96,500 कूलम्स, तो एक मोल निकल अपना 2 फेरेडे से मंगता है, मतलब वन मोल निकल इज फॉर्म फ्रॉम 2 फेरेडे, सो
from 6,000 coulombs. Amount of nickel pumped is इक्वल टू कितना होगा? 6,000 कूलम से 1 मोल निकल का मास मतलब 58.7 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी कितनी है 6,000 डिवाइडेड बाय अपने पास 1 मोल के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 2 है मतलब 2 × 96,500 सिंपल यूनिट मीटर। ये अपने 1 मोल का था फिर अपने को अपन ने क्या किया अपन ने 1 मोल को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा कि 6,000 कूलम से कितना निकल बन रहा है तो इससे क्या आंसर आ जाएगा 1.852 ग्राम्स। तो दिस मच अमाउंट ऑफ निकल इज फॉर्म यूजिंग 6,000 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल क्वेश्चन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2.16। अपने को बोला है कि थ्री इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ए बी सी कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट रेस्पेक्टिवली आर कंटेन्ड इन सीरीज। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर वाज पास्ड थ्रू ऑन देम अंटिल 45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो? तो इसमें बस फैराडेस लॉ लगाना है। तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं पहले तो फर्स्ट फैराडेस लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है इक्विवेलेंट रेट ई मल्टीप्लाइड बाय करंट आई मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन टी ठीक है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इंटू 1 फैराडे। ये होता है फर्स्ट फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ फैराडे। तो यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरे को इस क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है वेट दिया हुआ है करंट दिया हुआ है टाइम निकालना है मुझे। इक्विवेलेंट वेट अपन निकाल लेंगे इक्विवेलेंट वेट अपने को पता है सिल्वर का तो पहले से फैक्टर वन ही होता है तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का जो मोलिकुलर वेट है वही सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट होता है। सिल्वर के केस में इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा सिल्वर का मोलिकुलर वेट मतलब 108। अपन यहाँ से निकाल लेंगे अपन यहाँ से निकाल लेंगे टाइम की वैल्यू टाइम की वैल्यू जाएगी वेट वेट कितना दिया हुआ है अपने को वेट अपने को दिया हुआ है 1.45 ग्राम्स सॉरी 0.45 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय ये अपना वेट है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 1 ही होंगे मल्टीप्लाइड बाय फैराडे हो जाएगा 96,500 ठीक है डिवाइडेड बाय करंट है 1.5 एम्पियर्स और अपना इक्विवेलेंट वेट होता है 108। तो अपन यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास टाइम की वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी टाइम की वैल्यू हो जाएगी समथिंग अराउंड 863.73 सेकेंड्स ठीक है। तो ये हो गई अपनी टाइम की वैल्यू। उसके बाद अपने को बोलना है कि अब अपन कॉपर के लिए देखेंगे अब यार ये 1.45 सॉरी अपन कॉपर के लिए देखेंगे कॉपर के लिए देखेंगे कॉपर के लिए भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कॉपर के लिए भी अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन इस बार अपन को क्या पता अपने टाइम निकाल लिया अपने को कॉपर के लिए वापस ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉपर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन क्या निकाल लेंगे अपन लोग निकाल लेंगे कॉपर का कितना वेट बन रहा है क्योंकि अपने को सिल्वर का वेट दिया होता तो अपन ने वहां से टाइम निकाल लिया अब टाइम के लिए डाल के अपन लोग कॉपर का वेट निकाल लेंगे ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन ने टाइम निकाल लिया है तो अपने को क्या दिया हुआ है अपने अपन इसकी वजह अपन ये कर सकते हैं कि अपन यहाँ पे फैराडे का सेकंड लॉ लगा सकते हैं। अपने को ये चीज पता है कि फ्रॉम फैराडे सेकंड लॉ फ्रॉम फैराडे सेकंड लॉ अपने को ये पता है कि क्या डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू टू इज इक्वल टू ई वन डिवाइड बाई ई टू मतलब जो वेट का मास होता है वो वेट का जो रेशियो होता है वो इक्वल वेट के रेशियो में होगा अगर वो लोग सीरीज में कनेक्टेड है तब। और अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लोग सीरीज में कनेक्टेड है ठीक है कनेक्टेड इन सीरीज तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अपने को डब्ल्यू वन पता है 1.45 ग्राम्स अपने को डब्ल्यू टू निकालना है तो डिवाइड बाई डब्ल्यू टू इज इक्वल टू इक्वल मास ऑफ सिल्वर 108 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर जो होता है 31.75 क्योंकि कॉपर का वैलेंस फैक्टर होता है 2 तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर वेट डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 31.75। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे अपन यहाँ से डब्ल्यू टू निकाल लेंगे यहाँ से अपने डब्ल्यू टू आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.426 ग्राम ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कॉपर का वेट आ गया ठीक है। अपन ने क्या किया अपन ने
जिंक का निकाल लिया, यानी अपन ने सिल्वर का निकाल लिया और कॉपर का निकाल लिया। अपन को जिंक का निकालना है तो जिंक का निकालने के लिए वापसी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अभी अपन ने किसका निकाला, अभी अपन निकाला है कॉपर का, वैसे ही अपने को निकालना है जिंक का, तो जिंक का निकालने के लिए वापस अपन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वैसे करके अपन जिंक का भी निकाल लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं था, बस फैराडे का लॉ यूज करना था, बाकी ये भी क्वेश्चन सिंपल ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मतलब मैंने जिंक का नहीं निकाला, जिंक का भी अपन सेम फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो अपने को बताना है कि इसमें रिएक्शन फीजिबल है कि नहीं है, मतलब अपने को सीधी सी बात है, अपने को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने फेवर में आ रहा है मतलब रिएक्शन फिजिबल है, वरना रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं रिएक्शन फिजिबल कब होगी। अपना जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिएक्शन कोई रिएक्शन का आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव आएगा तब रिएक्शन फिजिबल होती है, अपन ने पढ़ा हुआ है। अगर वो नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग तीनों के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लेंगे, मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लेंगे चारों पांचों के लिए। जिसके लिए पॉजिटिव आएगा वाली रिएक्शन फिजिबल, जिसके लिए नेगेटिव आएगा वाली रिएक्शन नॉट फिजिबल। तो मैं एक पार्ट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट में ई नॉट सेल सॉरी, एक का मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना कैसे निकलेंगे। वो इसमें ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, Fe3+ और आई माइनस के बीच में अपने को पता है जो अपना Fe3+ है वो जाएगा Fe2+ में, मतलब Fe3+ रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब कैथोड पे रहेगा Fe3+। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, अपन लोग लिखेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड हो जाएगा अपना ई नॉट Fe3+ से Fe2+, वो कितना होता है, वो होता है 0.77 माइनस ई नॉट एनोड। और ई नॉट एनोड क्या होगा, ई नॉट एनोड होगा ई नॉट I2 से I-, क्योंकि इस बार I2 जो है I- से I2 जा रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अपन लोग यहाँ पे लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन, वो कितना होता है, वो होता है 0.54। तो यहाँ जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास ई नॉट चला जाएगा 0.23 वोल्ट। तो चूंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। अगर ये नेगेटिव आता तो ये नॉन फिजिबल होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये फिजिबल है। तो ऐसे करके अपन सारे पार्ट कर लेंगे। तो मैं सबका आंसर देता हूँ। सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा फीजिबल, थर्ड पार्ट का आंसर आएगा, मतलब सारे एक्स्ट्रा होंगे, अपने को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। थर्ड पार्ट आएगा नॉट फीजिबल और फोर्थ पार्ट आएगा नॉट फीजिबल और जो फिफ्थ पार्ट आएगा वो आएगा फीजिबल। ठीक है, सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया। ठीक है, तो अब मैं बढ़ता हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 2.18। इसमें क्या बोला है मुझसे, लास्ट क्वेश्चन में मुझसे बोला है कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अपने को इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताने हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ एजी एनओसी विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, एक्वा सोल्यूशन ऑफ एजी एनओसी विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। तो ठीक है, यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पे कैथोड पे क्योंकि एक्वा सोल्यूशन ऑफ एजी एनओसी है ना, तो कैथोड पे क्या होगा, एजी प्लस आयन्स का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो एच प्लस आयन से कम होता है, इसलिए कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे एजी प्लस जो है एजी में रिड्यूस हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ, पहले पार्ट में कैथोड पे क्या होगा, एच कैथोड जो अपना एजी प्लस है वो रिड्यूस हो जाएंगे एजी में, ये होगा कैथोड पे। ठीक है, और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एजी एनओसी और उसमें इलेक्ट्रोड्स पे जो सिल्वर के ही हैं, तो ऑब्वियसली बात है दोनों जगह सिल्वर की ही रिएक्शन होगी होगी। तो कैथोड पे एजी प्लस का रिडक्शन हो रहा होगा और एनोड पे एजी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे हो रहा होगा एजी जा रहा होगा इसमें एजी पॉजिटिव में। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन थी, कुछ नहीं है इसमें, बस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एजी एनओसी का अपन लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन में दो ही आयंस बचे, कौन कौन से, एक बचा सिल्वर एक बचा एच प्लस। अपने को पता है कि जो एजी प्लस होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, मतलब जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो एच प्लस से ज्यादा होता है, कम होता है, तो इसलिए अपन लोग एजी प्लस का रिडक्शन कर देते हैं आसानी से। और एनोड पर ऑब्वियसली बात है कि एजी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एजी प्लस में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया।
सेकंड पार्ट में मुझसे क्या बोला है, सेकंड पार्ट में मुझसे बोला है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूनियन होती है विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के केस में क्या होगा, कैथोड पे तो वही रिएक्शन रहेगी जो अपन ने अभी देखी, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रोड चेंज करिए तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो कैथोड पे तो यही रिएक्शन हो जाएगी, और एनोड पे क्या होगा, क्योंकि प्लैटिनम एनोड है तो एनोड ऑब्वियसली बात है अपन लोग यहाँ पे एनोड पे एजी से एजी प्लस जा रहा था, तो एजी कहाँ से आ रहा था, ये एजी इलेक्ट्रोड से आ रहा था क्योंकि सिल्वर की इलेक्ट्रोड थी, लेकिन अब तो इलेक्ट्रोड प्लेटिनम की है तो ऑब्वियसली बात है एनोड पे एजी का ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे फिर रिएक्शन होगी ओ एच माइनस की, मतलब ओ एच माइनस ऑक्सीडाइज, ओ एच माइनस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ओ एच माइनस की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अपने को पता होती है, अगर नहीं पता तो ये याद कर लो, मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ओ एच माइनस जब ऑक्सीजन होता है तो अपन लोग चार ओ एच माइनस लेते हैं, चार ओ एच माइनस दो एच टू ओ में कन्वर्ट होता है, दो एच टू ओ में कन्वर्ट होता है प्लस एक ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये एनोड पे हो रहा होगा, फिर अपन लोग चलते हैं थर्ड पार्ट में, मतलब यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि प्रेफरेबल इलेक्ट्रोलिसिस वाला, तो इसका थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बेसिकली है वही जिसका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से जिसका ज्यादा कम होगा उस हिसाब से रिएक्शन होंगे। ठीक है, जो मल्टीएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा ऑब्वियसली बात है उसका ऑक्सीडेशन होना ज्यादा प्रेफरेबल होगा, और जो मल्टीएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा ऑब्वियसली बात है उसका रिडक्शन होना ज्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि एजी वाटर के एजी हाइड्रोजन के नीचे रहता है इसलिए उसका रिडक्शन ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है, तो अपन थर्ड पार्ट में चलते हैं, थर्ड पार्ट में आपने से बोला है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, तो ऑब्वियस बात है रिडक्शन होने के लिए तो अपने पास एक ही आयन है वो है एच प्लस, तो कैथोड की तो दिक्कत नहीं है, कैथोड पे तो अपन लोग एच प्लस को ही करेंगे, तो कैथोड पे तो सिर्फ एच प्लस ही अपने पास हो जाएगा, एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव अस एच। ठीक है, ऑब्वियस बात है मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन विल गिव अस एच टू। ठीक है, तो ये कैथोड पे हो रही होगी, सल्फेट का क्यों नहीं होगा, सल्फेट का रिडक्शन कैसे हो सकता है, सल्फेट ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में, सल्फेट का सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑब्वियसली बात है सल्फेट का ऑक्सीडेशन से वीक केस में होता है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन से वीक केस में होता है अगर अगर तो वो परऑक्साइड फॉर्म में हो, मतलब H2O2- के फॉर्म में हो, या फिर वो बहुत ही कंसेंट्रेटेड फॉर्म में हो, लेकिन यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, सल्फेट का ऑक्सीडेशन तभी हो सकता है या तो वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में हो या तो फिर वो क्या बोलते हैं कौन सा केमिकल है वो, एक सल्फेट जो है अगर वो शायद अमोनिया है, अमोनिया के साथ होता है तब वो तब उसका ऑक्सीडेशन होता है, या फिर वो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में होता है तब उसका ऑक्सीडेशन होता है, बाकी किसी भी केस में सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी एनोड पे ओ एच माइनस का ही ऑक्सीडेशन होगा, और ओ एच माइनस का ऑक्सीडेशन होकर ये वाली रिएक्शन होगी जो अभी ऊपर हुई थी, सल्फेट का ऑक्सीडेशन सिर्फ तभी होता है जब वो कंसेंट्रेटेड स्टेट में होता है, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट स्टेट में इसलिए यहाँ पर सल्फेट का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एनोड पे वो रिएक्शन हो रही होगी, ओ एच माइनस ज्यादा होगा, ओ टू एच टू ओ प्लस ओ टू, हाँ ये गैसेस फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे भी गैसेस फॉर्म है, तो ये हो गया, अब मैं लास्ट पार्ट चलता हूँ, लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या बोला हमसे, सर फोर्थ पार्ट में बोला है एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, तो कैथोड पे तो सिंपल है, कैथोड पे तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा होगा, तो कैथोड ऑब्वियस बात है ना एच प्लस को नहीं सकता क्योंकि कॉपर एच प्लस के नीचे होता है रिएक्टिव की सीरीज में, और जो नीचे होता है उसका रिडक्शन होना बहुत फेवरेबल होता है ऊपर वाले से, तो जो नीचे होगा उसका रिडक्शन पहले होगा, कॉपर क्योंकि एच प्लस से नीचे है तो सबसे पहले उसका रिडक्शन होगा, तो कैथोड पर तो Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो रहा होगा, इसमें जा रहा होगा ये जा रहा होगा Cu में। ठीक है, ठीक है, और एनोड पे क्या रहा होगा, एनोड पे अपने को पता है क्योंकि Cl- है तो Cl- क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि एनोड पे Cl- का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे Cl- का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, सी
L minus is getting converted to Cl plus electron. ठीक है, और ऑब्वियसली बात है Cl इस फॉर्म में तो रहता नहीं है, Cl इस फॉर्म में तो रहता नहीं है, Cl Cl2 के फॉर्म में रहता है, तो मेरे को यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे Cl2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही होगी और एनोड पे ये रिएक्शन हो रही होगी। तो ये मेरे 18th वाले क्वेश्चन का आंसर था, मतलब कैथोड पे कॉपर बन रहा होगा और एनोड पे Cl2 का सेलिब्रेट हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें बेसिकली आपको मेटल एक्चुअल की सीरीज आनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है क्योंकि वो हर जगह जाती है। दूसरा आपको नर्वस इक्वेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी चीज आपको फैराडे के दोनों लॉ आने चाहिए, फैराडे फर्स्ट लॉ फैराडे सेकंड लॉ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल में क्या रिएक्शन होती है, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और मोलर कंसेंट्रेशन, कप्पा क्या होता है, डेल्टा एम क्या होता है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट सब आपको क्लियर होने चाहिए, तभी जाके ये वाला चैप्टर सॉल्व होगा। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अपन मेंस की बात करें, मेंस की बात करें चाहे एडवांस की बात करें चाहे इवन बोर्ड्स की बात करें, वहाँ पे इस चैप्टर से बहुत सवाल बनते हैं क्योंकि दिस इज अ क्वाइट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। सो ओके, थैंक यू।